₹60 में फुल मील मिल रहा है। चार तरह की सब्जी है आपको, दाल मखनी मिलेगी, छोले की सब्जी है, पनीर की सब्जी है और मसाले वाले आलू है, साथ में रायता रहता है, चटनी भी रहती है और यह सैलेड। तो भाई अगर खाने में अगर मिर्ची ना हो तो मज़ा नहीं आता। और सबसे ज़्यादा डिमांड क्या रहता है यहाँ पर? आलू नान का। आलू नान का देखो, ऊपर से और पनीर डाले जा रहे हैं भाई, ये देखो ये भर भर के पनीर खिलाया जाता है यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूँ रवि और आज आपके लिए लेकर आया हूँ बढ़िया सी अमृतसरी नान की थाली। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए जल्दी से देखते हैं इनकी थाली का ऐसा क्या स्वाद रहता है कि यहाँ लोगों का जमघट लगा रहता है। वीडियो क्लास तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया, कैसे हो आप? पहले बस बढ़िया भैया। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि इतना बढ़िया खाना खिला रहे हो आप लोगों को। और छोटा सा क्वेश्चन है कि ऐसा क्या जादू कर रखा है कि आगरा के लोग पागल है इस स्वाद के लिए? खाने में स्वाद है। टाइम कितना हो गया अभी आपको ये अपनी रसोई चलाते हुए? मेरे को टाइम हो गया 15-20 साल होने जा रही है। 15-20 साल हो गए, 15-20 साल पुराना स्वाद है। तो शुरुआत कितने रुपए से की थी आपने? शुरुआत मेरी 40 से हुई थी। 40 रुपए से? 40 रुपए में क्या क्या रहता था? 40 यही था, यही था सारा। चार चार तरह की सब्जी दे रहे हो आप, 40 रुपए में स्टार्ट किया था आपने। अभी क्या रेट है भैया थाली के? 60 रुपए प्लेट। 60 रुपए प्लेट है। जिसमें चार सब्जी आएंगी, 2 नान, रायता, फूल की सब्जी। अच्छा, 60 रुपए में चार तरह की सब्जी, रायता भी दे रहे हो, 2 तरह की नान भी दे रहे हो। और नान कौन सी रहती है अपनी? नान मेरे पास चपराना आलू की। तो ये कौन सी भैया? ये दाल मखनी है। ओए ओए देखो भाई, सच में मखनी दाल है ये। मैगी इतनी अच्छी है। ये छोले है, ये छोले हैं, मसाले वाले छोले, मसाला छोले। ये देखो रंगत देख लो आप छोलों की, देखते ही आपका तबीयत खुश हो जाएगी। ये है शाही पनीर, शाही पनीर है। ग्रेवी देखो शाही पनीर की। ओए ओए देखो पीस भी कितने बड़े बड़े है। भैया मैं देख रहा हूँ कंजूसी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, और देखो ऊपर से और पनीर डाले जा रहे हैं भाई, ये देखो ये भर भर के पनीर खिलाया जाता है यहाँ पर। अच्छा भैया, आलू की सब्जी भी रहती है अपनी? जी आलू की सब्जी है रही। अच्छा, सूखे आलू है मसाले वाले और साथ में रायता। देखिए थाली लग रही है, ये दाल मखनी आ गई, छोले आ गए, सैलेड आ गया और ये शाही पनीर। या 2 पीस आते हैं प्लेट में और ये मसाले वाले आलू और भी मिलता है, बात दोबारा मिल जाता है। अच्छा, दोबारा ले सकते हैं? हाँ जी। रिफिल करा सकते भैया कोई भी सब्जी? हाँ जी भाई, ये देखो रिफिल भी करा सकते हो आप। और ये थाली है और साथ में रायता रहता है, 1-2-3 बार भी ले सकते हो आप। ये भाई ये देखो, अगर सच बता रहा हूँ रंगत इतनी बढ़िया थाली की अगर अभी टेस्ट नहीं किया है, और यहाँ इतनी काफ़ी क्राउड है यहाँ पर खाने वालों का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्वाद ही क्या होगा। तो भैया टाइमिंग क्या रहती है अपनी? टाइमिंग भैया मेरी सुबह 9 से शाम को 4-5 बजे तक रहता है। शाम को 4-5 बजे तक, सुबह 9 बजे से? हफ्ते में कोई ऑफ नहीं? कोई ऑफ नहीं है, हफ्ते में 7 दिन बढ़िया सा टेस्ट मिल जाएगा। और ये रायते के गिलास भी है देखो, तो रायता भी भैया 1-2 बार ले सकते हैं। बिल्कुल मिलेगा, ये मक्खन है। अच्छा मक्खन है, ये मक्खन भी वैसा भर भर के देख लो भाई, बड़े प्यार से और दिल खोल के खिलाते हैं भैया। नान देना आपको भैया? नान भी देखो काफी बढ़िया है। तो भैया 60 रुपए में फुल डाइट होगी लगभग हर इंसान, तो उसमें तो जिग जाता होगा आराम से, आराम से, क्योंकि नान भी काफी बढ़िया है, स्टफ नान है। आपका नान होगा भैया? देखो नान मैं दिखा देता हूँ कितनी बढ़िया है, कम से कम एक नान में 2 या 3 रोटी बनेंगी आपकी, और स्टफ भी है ये, और ऊपर से बढ़िया सा मक्खन लगा के दिया जा रहा है आपको। 60 रुपए में फुल मील मिल रहा है, चार तरह की सब्जी है आपको, दाल मखनी मिलेगी, छोले की सब्जी है, पनीर की सब्जी है और मसाले वाले आलू है, साथ में रायता रहता है, चटनी भी रहती है और यह सैलेड। और देखो भाई अगर खाने में अगर मिर्ची ना हो तो मज़ा नहीं आता, साथ में नींबू तो जो सैलेड को और ज़्यादा टेस्टी कर देता है। तो 60 रुपए की प्लेट है मात्र। और ये देख लो भाई साहब पीछे खा रहे हैं सभी भाई साहब हमारे, कैसा टेस्ट है भैया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। 60 रुपए 60 रुपए में फुल डाइट है भैया, स्वाद अच्छा है, मतलब स्वाद भी बढ़िया है, खाना स्वाद की बात है। और कुछ बने नहीं है, भरपूर बड़े खाना खा खिलाते हैं प्रेम से बैठ कर। अच्छा अच्छा, तो बाद में भी ले लोगा सब्जी खत्म हो जाए तो? बिल्कुल ले सकते हो। कब से आ रहे हो? कब से आ रहे हो? 2 साल से तो भैया आ रहे हैं। ये टेस्ट कैसा भैया? बढ़िया बढ़िया, बगल में घर है, घर पे भी खाना खाते हैं। अच्छा, पीछे घर है? पीछे ही घर है। 60 रुपए में बढ़िया सा टेस्ट मिल रहा है, घर का खाना कहाँ चला गया? रायता ही मिलता है। रायते के अलग पैसे है कि फ्री? अच्छा बिल्कुल फ्री है, चार तरह की सब्जी है, रायता भी है, एक बार 2 बार पी सकते, 3 बार पी सकते हो। अच्छा, और रायता देख लो, रंगत देख लो, रायते की बूंदी वाला रायता है।
तो यहाँ तो बहुत जमघट लगता होगी आपको। अरे बिल्कुल, अभी अभी देखो कितनी भीड़ होगी। अभी तो लंच का टाइम भी स्टार्ट नहीं हुआ है। चल रही है नान, ये कौन सी लग रही भैया नान अपनी? मिस्सी रोटी। अगर आपको नान नहीं खानी है, मिस्सी रोटी खानी है, तो मिस्सी रोटी भी अवेलेबल है यहाँ पर। और यहाँ सबसे अच्छा लच्छा पराठा भी है। और सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग आइटम रहता है यहाँ पर कौन सा भैया? नान, आलू नान। आलू नान कितनी तरह की नान रहती है अपने पास? तीन तरह की। कौन कौन सी? आलू नान, मिक्सी नान, पनीर नान और लच्छा पराठा। लच्छा पराठा भी है। पूरा देखो मैं ठेल का आपको नजारा दिखा रहा हूँ। अभी क्राउड स्टार्ट नहीं हुआ है यहाँ पर। लंच के टाइम पर ये पूरी ठेल और यहाँ गाड़ियों की लाइन लग जाएगी, ये पूरी ठेल गिर जाएगी। क्योंकि यहाँ स्वाद है यार, यहाँ स्वाद होता है, वहाँ लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। देखिए अभी प्लेट लगवा रहे हैं अपनी, 60 रुपए की प्लेट है। और पूरा दिखाएंगे आपको कि क्या क्या आ रहा है। तो अभी ये दाल मखनी है, ये दाल मखनी है, बढ़िया सी दाल मखनी है देखो। और ये छोले हैं, छोले की ग्रेवी देख लो, मसाले वाले छोले। और ये शाही पनीर, तो दो पीस मिलते हैं भैया, जो भी आ जाए। और ये मसाले वाले आलू हैं, ऊपर से सैलेड डाल दी। सैलेड में आपको खीरा प्याज मिल जाएगा और नींबू। ये चटनी भी आएगी। भाई ये थाली हमारी लगकर रेडी हो गई है। और अभी गर्मा गर्म दो स्टफ नान आ रही हैं। और ये मक्खन लगा दो, दो, दो एक ही बात है, एक ही देना। ये भाई ये हमारी थाली है। तो अभी केवल एक नान ली है, स्टफ नान है। तो ये दाल मखनी है, देखो दाल भी है इसमें, राजमा भी है। ये मसाले वाले छोले हैं। और ये है शाही पनीर, जिसमें आपको दो या तीन पीस पनीर के मिल जाएंगे। ये है मसाले वाले आलू, साथ में रहती है सैलेड, जिसमें आपको खीरा और प्याज मिल जाएगी, चुकी हुई मसाले वाली मिर्च है, चटनी ऊपर से डाली हुई है, पनीर नान भी है, या मिस्सी रोटी भी है, या लच्छा पराठा भी है। तो सबसे पहले ट्राई कर रहे हैं हम यहाँ की शाही पनीर। दोस्तों बढ़िया सा टेस्ट है, 60 रुपए में आपको फुल डाइट मिल रही है। चार चार तरह की सब्जी है, सैलेड है, मिस्सी नान है। सब्जी मैंने तीनों ट्राई की है। अगर सब्जी की बात करूँ ना, तो मसालों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है और पनीर हल्की सी मिठास है। तो देखिए रिफिल करा रहे हैं हम सब्जी अपनी। तो देखिए सब्जी आप बाद में रिफिल भी करा सकते हो, जो भी चाहिए आपको मिल जाएगी आपको बाद में। तीनों रिफिल करा रहे हैं हम। और हल्का सा आलू भी लिया जा रहा है, मसाले वाला आलू। टेस्ट बढ़िया है, तीनों सब्जी, चारों सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगी। और हल्का सा देखो सैलेड भी मिल रहा है आपको बस। तो ये देखो ऊपर से मक्खन से निलाई हुई है नान। और ये हमारी एक और नान आ गई है। तो देखिए रायता और मिल रहा है। तो ये सारा कुछ रहता है केवल 60 रुपए में। भैया मजा आ गया सच में खा के। चलो बढ़िया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप 60 रुपए में सबको पेट भर के खिला रहे हो आप। तो भाई मुझे नहीं लगता आप पूरे आगरा में आपको 60 रुपए में इतना बढ़िया डिश मिलेगा। तो भैया आपके पास जो आता हो ना खुश होके तो जाता ही नहीं होगा। खुश होके जाता है, पेट भी भरता है, खुश भी होता है और बंद भी जाता है। एक बार खा गया दोबारा तो जरूर आना है, दोबारा आना है। तो दोस्तों अभी फुल लोकेशन बता देता हूँ आपको। अगर 60 रुपए की थाली खाने आ रहे हो आप अपनी रसोई पे, तो कहाँ आना है आपको? ये शंकर ग्रीन का पार्क है, सॉफ्टवेयर रोड पे खड़ा हुआ हूँ मैं। शंकर ग्रीन से थोड़ा सा पहले पड़ जाता है राजीव नगर है, ये राजपुर फेस 2 पड़ता है। और निकल के जा रहे तो आपको बढ़िया सा क्राउड दिख जाएगा, यहाँ पर खाते हुए लोग अलग ही दिख जाएंगे। लोकेशन पूरी दिखा दी है मैंने आपको, कृष्णा वाटिका कॉलोनी है और सामने शंकर ग्रीन है। ये शंकर ग्रीन का पीछे वाला फील्ड है ये। और मैं अभी सॉफ्टवेयर रोड सब्जी मंडी पे खड़ा हुआ हूँ और अपनी रसोई के नाम से फेमस है ये। दोस्तों कभी आप आ रहे हो अमृतसरी थाली टेस्ट करने के लिए, या आपने टेस्ट की हुई है, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ साझा कीजिएगा। और ये स्वाद आपको जरा सरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ढेर सारे स्वाद के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग टाटा।